नमस्कार, मैं अमित सक्सेना, बॉडी मेस हेल्थ क्लब रूपनगर हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड से। मैं आज आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ और अर्थात अपनी जो बात आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास जो सबसे बड़ा मीडियम है वो है YouTube। तो मैं सबसे पहले YouTube को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, YouTube को नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, जिसके द्वारा मैं अपने जो विचार हैं वो व्यक्त कर सकता हूँ। और मेरे इन विचारों को से बहुत सारे लोग सहमत होंगे और बहुत सारे लोग असहमत होंगे, लेकिन मुझे उन लोगों से कोई भी मतलब नहीं है जो असहमत है। मुझे उन लोगों से मतलब है जो मेरी बात से सहमत है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि मैंने सही बोला तो YouTube भी इस बात से सहमत होंगे और वो मुझको प्रमोट करेंगे। इसीलिए मैं YouTube के सभी पदाधिकारियों को, संपूर्ण स्टाफ को थैंक्स बोलता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिनके माध्यम से मैं आज अपनी बात को पूर्ण रूप से आपके सामने रख रहा हूँ। आज जो बात कर रहा हूँ मैं, वो बात कर रहा हूँ स्टेराइड के ऊपर। स्टेराइड एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है आज हमारे यूथ के दिमाग में। यूथ मीन्स वो युवक, वो युवतियाँ या वो मेरे साथी जो जिम में जा रहे हैं, वो स्टेराइड को आजकल बहुत महत्व दे रहे हैं। तो मैं आज आपसे एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि आज जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा स्टेराइड को विपक्ष में। स्टेराइड के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टेराइड के विपक्ष में बात कर रहा हूँ। कारण क्या है? कारण मेरी बातों से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि मैं क्यों इसके विपक्ष में बोल रहा हूँ। स्टेराइड शब्द है क्या? स्टेराइड का हिंदी में रूपांतरण करेंगे तो आएगा उत्तेजक पदार्थ। क्या उत्तेजक पदार्थ? एक्चुअली स्टेराइड शब्द का उल्लेख सबसे पहले ग्रीक शब्द में किया गया, अनाबोले से। अनाबोले का अर्थ होता है उठा हुआ टीला। और उस समय इसको गेम्स के लिए, ओलंपिक के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए यूज करते थे, सैनिकों के लिए यूज कराते थे, और कुछ शौकिया बॉडी बिल्डर्स भी इसको यूज करते थे। आज उस स्टेराइड का विकृत रूप आ चुका है। वो विकृत रूप मैं बताने जा रहा हूं कि है क्या। एक्चुअली स्टेराइड चार तरीके के होते हैं। एक वो स्टेराइड जो मेडिकल में यूज होते हैं, एक वो स्टेराइड जो हम बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं, एक वो स्टेराइड जो हमारी बॉडी स्वयं बनाती है, एक वो स्टेराइड जो हमें फूड आइटम्स से मिलते हैं। तो आज जो मैं स्टेराइड की बात कर रहा हूँ, मेडिकली जो स्टेराइड है वो WHO द्वारा प्रमाणित है, WHO द्वारा प्रमाणित है। उनकी एक निश्चित कंसंट्रेशन और निश्चित डाइल्यूट सिस्टम होता है, वो निश्चित मात्रा में पड़ते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते। दूसरे सब स्टेराइड वो आते हैं जो हमारे लिए बॉडी बिल्डिंग में यूज होते हैं। बॉडी बिल्डिंग में यूज होने वाले बहुत सारे स्टेराइड हैं, और वो स्टेराइड मैं आपको आपके स्क्रीन पे अभी पूरा फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूं। बॉडी बिल्डिंग के बहुत सारे स्टेराइड यूज होते हैं। डायनाबॉल है, एनाबॉल है, फीना है, बहुत सारे स्टेराइड हैं। लेकिन मैं इनके नाम लेकर आपको ये बताना नहीं चाह रहा हूँ कि मुझे इसकी नॉलेज है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके के बहुत सारे स्टेराइड इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये स्टेराइड इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं। तो आज मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन आज मैं अमित सक्सेना समाज का एक ऐसा व्यक्तित्व
जिसको आज कोई नहीं जानता है या बहुत कम लोग जानते हैं। विश्व के समुदाय में खरबों लोगों में शायद मैं एक कण के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन आज स्टेराइड की पृष्ठभूमि में आज मैं खड़ी कर रहा हूं यहां से, अपने इस छोटे से जिम से, छोटी सी जगह से, क्योंकि मैं केवल अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विश्व के उन युवाओं की बात कर रहा हूं जो गर्त में ढकेले जा रहे हैं, जो अंधकार में ढकेले जा रहे हैं, चाहे वो अपनी बेवकूफियों की वजह से हो या उनके ट्रेनर द्वारा पैसा कमाने की नीति से हो, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना है, वो आपको स्टेरॉइड दे रहे हैं, उन्होंने आपको उठा हुआ बॉल्स दिखाना है, वो आपको स्टेरॉइड दे रहे हैं, उन्होंने आपको कटिंग दिखानी है, वो आपको स्टेरॉइड दे रहे हैं। स्टेरॉइड की परिणाम कौन नहीं जानता, क्या वो नहीं जानते हैं? वो भी जानते हैं, और स्टेरॉइड के परिणाम नहीं जानते होते तो हमारे यहां की सरकार ने उसको बैन क्यों किया होता, अमेरिका की सरकार ने और जापान ने, फ्रांस ने इसको बैन क्यों किया होता? हमारे देश की सरकार ने बैन किया है, हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी डीएम एसडीएम और कहते हैं नशे वाले इसके विरुद्ध अभियान चलाते हैं, इसको रोकते हैं, छापे मारते हैं, इतने बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग आईएएस पीसीएस, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर देश का भविष्य निश्चित होगा तो यूथ से होगा, और यूथ को ये कौन जिम्मेदार हैं जो बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद करके रख दिया है क्या स्टेराइड से, वो ही जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूं कि वो असहमत होंगे मुझसे, क्योंकि उनको पैसे कमाने का मतलब है, मुझको पैसे से कोई मतलब नहीं है, मैं आधे अपने 50% में निशुल्क चलाता हूं, और सिर्फ इसलिए कि मैं युवा को युवा देखना चाहता हूं, वो लुंज पुंज आदमी नहीं, वो फूला हुआ भैंसे जैसा लुंज पुंज आदमी नहीं, जिसके अंदर ना स्टेमिना है, ना फ्लेक्सिबिलिटी है, ना पावर है, ना स्ट्रेंथ है, मैं देखना नहीं चाहता हूं, इसीलिए मैं स्टेरॉइड के विरोध में हूं। कौन नहीं जानता है, क्या आप नहीं जानते? वो ट्रेनर नहीं जानते, डॉक्टर नहीं जानते, साइंटिस्ट नहीं जानते, सरकार भी जानती है इस बात को कि स्टेरॉइड से कहां कहां नुकसान होता है। स्टेरॉइड से हमारे ब्रेन पे नुकसान होता है, स्टेरॉइड से लीवर पे नुकसान होता है, स्टेरॉइड से बीपी पे नुकसान होता है, बीपी इंक्रीज होता है, स्टेरॉइड से हार्ट में नुकसान होता है, किडनी में नुकसान होता है, सब जानते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ इसका ठेका हमारी सरकार ने ले रखा है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम पैसा कमाने के लिए पागलों की तरह लोगों को स्टेरॉइड बताते रहेंगे। स्टेरॉइड चार तरीके के होते हैं, उनको बताते रहेंगे, कभी इंजेक्शन द्वारा, कभी टेबलेट द्वारा, कभी लिक्विड पे द्वारा, कभी लगाने के द्वारा, उनको स्टेरॉइड देना है हमने, और देना क्यों है, क्योंकि हमने पैसा कमाना है। अरे हम देशद्रोही नहीं है, हम विश्व के युवाओं के द्रोही हो गए, मारना चाहते हैं हम उनको, उनके स्ट्रेंथ को, उनकी पावर को खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसे पैसे का क्या लाभ, और अगर है लाभ तो आप अपने सीने पे हाथ रख के कसम खा के कहिए कि वो स्टेरॉइड आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, आप अपने बहन भाइयों को दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना तो बेचने के लिए क्यों रखा है आपने, लगा क्यों रहा है लोगों को, और अगर सही है वो स्टेरॉइड तो एक बार पुलिस प्रशासन के सामने थाने में जाके जरा लगा के दिखलाइए, इतने डंडे मारेगी ना ये पुलिस कि पुश्तें जिम के नाम से डरने लगेंगी। मेरा बीपी हाई नहीं हुआ, मैं गुस्से में नहीं हूं, लेकिन मुझे आक्रोश आ गया है कि हमारे देश का युवा वो नासमझ होके जा रहा है, आप उसे पहले सप्लीमेंट दे रहे हैं, फिर स्टेरॉइड दे रहे हैं, फिर दूसरा स्टेरॉइड, तीसरा स्टेरॉइड, चौथा स्टेरॉइड, कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, वो उसमें गुम हो गया बेचारा, वो आपकी बातों में आ गया, अरे क्या सोचा था उसने, एक विश्वास किया था, आपके आके पैर छूता था, आपको नमस्कार करता है, आपको गुरुजी बोलता है, और उसके बाद आप ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, अपने पैसा कमाने के लिए, चंद पैसा कमाने के लिए आप उसकी जिंदगी का दांव पे लगा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? जो मेरी बात से सहमत ना हो वो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, यूट्यूब से कहें कि मैंने गलत बोला है, इस बात को यूट्यूब भी जानता है कि मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि उनके पास भी एक वॉल्यूम है, वो भी जानते हैं आजकल लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, और मेरी बात से वो सहमत है, 100% सहमत होंगे,
ये मेरा बिलीव है। बिलीव इसलिए है कि YouTube इतना बड़ा चैनल है जो वर्ल्ड में, जिसका नाम है वर्ल्ड में चलता है, उसको सब पता है कि सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है। और मैं भी YouTube से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरी ये वीडियो सही लगे, अगर मैं विश्व के युवाओं के लिए देख रहा हूँ सपना, अगर मैं विश्व के युवाओं को स्वस्थ रखने का सपना देख रहा हूँ, तो मेरी इस वीडियो को फैलाने की कोशिश करें। और अगर मैं गलत हूँ तो मेरी वीडियो को यहीं बैन कर दें। मैं सॉरी करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं आवेश में भर गया हूँ, मैं गुस्से में भर गया हूँ, क्योंकि आज बात मेरे शहर की नहीं है, मेरे देश की नहीं है, आज विश्व के युवाओं की बात है। विश्व के युवाओं को लेकर मैं चिंतित हूँ। और मैं अपने जीवन में अगर किन्हीं दो लोगों को, चार लोगों को इस स्ट्रेट से बचा सका, उनका जीवन बचा सका, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा धन होगा, बहुत बड़ा धन होगा मेरे लिए, ये बहुत बड़ा पुण्य होगा मेरे लिए। लेकिन आप इस राइड देने वालों, आप सोच लो आपके लिए क्या है। और इस राइड लेने वालों, आप भी पढ़े लिखे लोग होंगे, कुछ तो पढ़ा होगा आपने, हाई स्कूल इंटर तो किया होगा, आप व्हाट्सएप गूगल तो चलाते होंगे, जरा बेनिफिट और लॉस देख लीजिए, आप कर क्या रहे हैं अपने जीवन के लिए, आप कर क्या रहे हैं, क्यों नशे की आदत को डाल रहे हैं, क्यों इस स्टेरॉइड की आदत को डाल रहे हैं। आपको पता है यदि आप टेस्टोस्टेरोन लेते हैं तो कुछ समय बाद आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देगी, क्योंकि यदि आप कुछ समय, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपको 10,000-15,000 रुपए सैलरी मिल रही है, आपको 40,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाए, तो आप वो नौकरी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, आप कामचोर हो जाएंगे। वैसे हमारी बॉडी होती है, जब एक्स्ट्रा बॉडी को टेस्टोस्टेरोन मिल रहा है तो बॉडी अपनी तरफ से बनाना बंद कर देगी। कहां तक पूर्ति करते रहेंगे आप स्टेरॉइड की? और जब दोबारा से आप स्टेरॉइड छोड़ेंगे तो दोबारा से जब आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाएगी तो उसे एक लंबा प्रोसेस चाहिए होता है, किडनी वीक हो जाएगी, लीवर फेल हो जाएगा, धमनी रोग हो जाते हैं, आक्रमकता आ जाती है, क्रोध आ जाता है। क्यों कर रहे हो मेरे भाई ऐसा, क्यों, आखिर किसकी गलती है ये? थोड़ी गलती अगर उन ट्रेनरों की है, उन समझाने वालों की है जो आपको स्टेट बेच रहे, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। आप इतना अंधानुकरण कर क्यों रहे? अरे उन, अगर कुछ हो गया आपको, उन माँ बाप से पूछो, अपने माँ बाप से पूछो कि उनके दिल पे क्या बीतेगी, अपने भाई बहनों से पूछो कि उनके दिल पे क्या बीतेगी। मेरा बस चलता, अगर मेरा बस चलता तो मैं पुलिस प्रशासन के साथ मिलके, इन ISPCS ऑफिसरों के साथ मिलके ऐसे छापे पड़वाता और जो ये लोग पकड़े जाते ना, इनके लिए कोर्ट केस करता, इनको जबरदस्त दंड दिलवाता। पुलिस यही काम कर रही है, यही काम कर रही है हमारे देश की पुलिस। कितना हम लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, कितना लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं, आपकी आंखों का पानी तो मर चुका है। मुझे ये बनाने हैं 3 महीने के अंदर, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप खुद मांगने पहुंच जाते हैं। अरे किसको दिखाना है? 3 महीने में बना के 6 महीने बाद मर जाओगे, 8 महीने बाद, 6 साल बाद, 2 साल बाद मर जाओगे। अरे मरना तो सभी ने है, लेकिन आप तो आकस्मिक मौत मरोगे, आप तो वो मौत मरोगे जो स्वाभाविक नहीं होगी। अब बहुत समझदार हो गए कुछ लोग, मेरे जिम्मे भी आते हैं कुछ लोग, बहुत समझदार है, जान देते हैं, अर्नोल्ड भी तो लेता है, रोनी कोलमन भी तो लेता है। अबे क्या तुम अर्नोल्ड हो, क्या तुम रोनी कोलमन हो? अपने आप को तो देखो, जुमा 5.5-6 फीट के हुए नहीं कि रोनी कोलमन और अर्नोल्ड बनने का सपना देखने लगे। जिम ज्वाइन करे हुए 15 दिन, 1 महीना हुआ नहीं कि अर्नोल्ड बनने का सपना देखने लगे। 1 घंटे एक्सरसाइज होती नहीं है, अर्नोल्ड की तरह क्या 12-14 घंटे कर दोगे? अरे वो महान देवता है अर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग का, उसकी सोच रहे हैं।
बल्ला पकड़ने की तमीज है नहीं, सचिन तेंदुलकर बनने की सोच रहे हैं, और ऊपर से क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम सप्लीमेंट ले जाओ, ये वाला सप्लीमेंट क्या कर देगा, ये वाला सप्लीमेंट क्या कर देगा, ये वाला स्टेरॉइड क्या कर देगा, अरे मैं तो यही लूंगा, मैं तो यही लूंगा, पैसे की तो चिंता है ही नहीं, पैसा तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, कमा रहे होंगे, माँ बाप को खसोटेंगे, पैसा इकट्ठा कर देंगे, दे देंगे 10-20 हज़ार रुपये महीने का, कर देंगे खर्चा, लेकिन वो डॉले चाहिए, वो मसल चाहिए। उसके बाद जब जिम छोड़ा सब बराबर था, मिट्टी कुछ समय बाद, फिर लोगों ने ताने कसे, फिर पहुंच गए जिम, फिर वो एक पागलपंती स्टार्ट कर दी, फिर बन गए, फिर कुछ समय बाद छूट गया, बस यही करते रहना जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी ज़्यादा नहीं बचेगी। वो जो कहते थे ना कि 4 दिन की जिंदगी है, 4 ही दिन की बचेगी। लेकिन मैं एक प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से, कृपया आप इस तरह की भ्रामक बातों से समझदार हैं, समझिए कि आपको कौन कहाँ तोल रहा है, कौन कहाँ मोल रहा है, वो आपको बेच रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, पैसा कमा रहे हैं, और आप हैं कि अपने शरीर को बर्बाद करने पे तुले पड़े हैं। और ऊपर से समझदार क्या बोलेंगे, हम अपनी बॉडी की PCD करवा देंगे, PCD करवा देंगे, सारा स्टेरॉइड निकलवा देंगे, क्या बेवकूफ बना बातें करते हैं, अरे जहर तो तुम्हारे धमनियों में घुल जाता है, कितना निकलवाओगे। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कर्म का यही सिद्धांत है कि अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो वो और अधिक अच्छा कार्य करवाता है, यदि आप बुरा कार्य करते हैं तो वो और बुरा कार्य करवाता है। सोच लो आपने क्या करना है, मैंने अच्छा कार्य शुरू किया है, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मैं अच्छा कार्य करता रहूँ, लेकिन जो लोगों के दुखों को अपना कर जीता है वो बलवान बन जाता है। मैं सारे समाज के दुखों को अपना कर जीना चाहता हूँ, मैं अपने दुख में अपने दर्द में रोना नहीं चाहता, बल्कि मैं समाज की सारी पीड़ा को अपने अंदर समा के उसमें जीना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा भावावेश में बोल दिया है। अब भावावेश में क्या बोला है मैंने, एक्चुअली मैंने तो सही बात बोली है, और मैं एक बार फिर, अब तो मैं ये कहने का अधिकारी भी नहीं हूँ आपसे कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लेकिन मैं इतना कहने का अधिकारी ज़रूर हूँ कि अगर मैंने सही बोला है, अगर मैं इस नशे के विरोध में, यदि इस स्टेरॉइड के विरोध में सही हूँ, तो मेरी वीडियो को वायरल ज़रूर करना। और अगर आपको अच्छा लगता है कि आपका बच्चा नशे में झूमता हुआ है, अगर आपको अच्छा लगता है कि आपका बच्चा किडनी की प्रॉब्लम लेकर आए, लीवर की, हार्ट की प्रॉब्लम लेकर आए, तो मेरी वीडियो को शेयर मत करना। और बहुत सारे लोग, मैंने पहले ही कह रखा था कि बहुत सारे लोग मुझसे असहमत होंगे, बहुत सारे लोग स्टेरॉइड बेचने वाले मुझसे पूर्ण रूप से असहमत होंगे, वो कह रहे होंगे नहीं स्टेरॉइड अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है ना, अरे भाई तू कोर्ट में जाओ ना, एप्लीकेशन लगाओ, रिट दायर करो कि स्टेरॉइड अच्छी चीज़ है, मैं स्टेरॉइड देना चाहता हूँ, मैं लोगों को स्टेरॉइड लगाना चाहता हूँ, बता देगा कोर्ट, बुद्धिजीवियों का केंद्र है कोर्ट, जज साहब बैठते हैं वहाँ पर, बता देंगे भाई, थाने के से अंदर जाके लगवा लो, मैंने बताया था ना, बता देंगे थाने वाले कि क्या चाहते हैं। इसीलिए मैं आगे भी स्टेरॉइड पे सप्लीमेंट बोलता रहूँगा, क्योंकि मैं नेचुरल के पक्ष में हूँ। नेचुरल बॉडी बनाइए, नेचुरल बॉडी बनाइए, अपने सामर्थ्य को अपनी ताकत बनाइए, अपनी ताकत को अपना आत्मविश्वास बनाइए, आक्रामकता को नहीं। और इसी के साथ आज मैं यहाँ पर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, सिर्फ ये वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, मैं अपनी बात को चालू रखूँगा और हमेशा चालू रखूँगा, क्योंकि मैं समाज की पीड़ा को अपना के जीना चाहता हूँ, मैं इस विश्व के युवाओं के साथ हूँ। इसी के साथ, अगर मैंने आपसे कुछ गलत बोल दिया है, अगर मेरे शब्दों द्वारा आपको कोई पीड़ा पहुंची है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन अगर मैं सही बोला हूं, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना,
और वायरल करना। और मैं एक बार फिर से गूगल का और यूट्यूब का थैंक्स बोलता हूँ, जिनके द्वारा आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया और आज मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। थैंक्स।